दिल्ली के कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम जेल से रिहा हो गए। दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व सीएम को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। शाम को बेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अपनी बेटी के साथ तिहाड़ जेल पहुंची। वहां से वो साथ में बाहर निकले। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि जल्द बाहर आऊंगा। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा। आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल एक बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।